गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। गाइस आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं, हम आए हैं हमारे गांव में और यहां पे हम लोग खाने वाले हैं लिट्टी चोखा। और मैं यहां पे सोऊंगी रात को और फिर सुबह हम लोग करेंगे कुछ अलग, मतलब गांव जैसा कुछ करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि गाँव में और गाँव जैसी लाइफ में जियो तो फिर क्या ही मजा। तो फिर चलो। सो ये है हमारे गाँव का रोड, मतलब गाँव के अंदर का रोड है ये। मैं रोज़ शाम को गांव आती हूँ अपनी मम्मी के साथ दादी से मिलने के लिए, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो ये देखो, ये रिंकू दीदी है, बर्तन धो के जा रही है। चला चला चला, तो गाइस अब हम जा रहे हैं उपरी लेने। उपरी किसको बोलते हैं? गाय के गोबर को, ये किसी के भी गोबर को, भैंस भैंस ये बफेलो उपला, हाँ उपला बोलते है, सही उपला बोला था ना हिंदी में, हाँ या कंडी भी बोला था ना, कंडी गाय के गोबर को सुखा के फिर बनाते हैं उसका कंडी। हाँ कहाँ बाटे, ये देखो यहाँ पे है। हम सब लोग लेने जा रहे हैं उपला, वो कहते साथी मिल गई ना। तो देखो गाइस, इसको बोलते हैं ऊपरी, कंडी, उपला, जो भी बोलना चाहो। अभी ये चाची भर रही है। तो अब हम इस उपले को आग लगाएंगे। तो वो आग लगाने के लिए सबसे पहले ये लिया हुआ है उसमें, क्योंकि जल्दी से आग पकड़ लेती है इसलिए। और अब ये उपले को उसके ऊपर रखेंगे। सो गाइस, वो उपली कम पड़ गई थी तो अब मैं जा रही हूँ नाचते गाते कूदते फांदते लेने के लिए उपली। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और इसे ये टोकरी में रख रहे हैं और फिर लेके जाएंगे। ऊपर ही ले चला था। देखो भाई, ये गाय, ये लड़की पागल है। सो गाइस, जब आग अच्छे से जल जाएगी तो उसके बाद ये जो आलू देख रहे हो पोटैटो, वो हम लोग क्या करेंगे, इसके आग के अंदर डालेंगे ताकि वो रोस्ट हो जाए, भुन जाए अच्छे से। क्योंकि हम लोग यहाँ पे भून के ही खाते हैं, मतलब यूपी साइड में ना इसे बॉईल करके लिट्टी चोखा नहीं बनता, इसे भून के बनता है। आप बॉईल करके भी चाहे तो बना सकते हो। तो ये हमारी आलू जो है पक चुकी है। बातें करते करते बहुत टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं बनता। एटलीस्ट आपको आधा घंटा या 45 मिनट्स देना पड़ेगा एक आलू को, मतलब आलू को पकने के लिए। देन ये इस तरीके की हो जाएगी, फिर हम इसे छील लेंगे एंड देन अब वापस से हम लोग आग लगाएंगे ताकि हम लोग उसमें अपनी लिट्टी बना सके। तो ये है मेरी चाची जो कि अच्छा लिट्टी बना रही है मेरे लिए। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी तो चाची ने मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दी, थैंक यू चाची। गर्मी लग रही है, मैं दिख रही हूँ। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं बैगन लेने के लिए। वो जो चोखा बनेगा ना आलू का, उसमें चाहिए। तो डायरेक्ट ताजा ताजा पेड़ से तोड़ने के लिए जा रहे हैं। सांप ना निकले बहनी, हमके कुछ से काटे आराम से, आराम से। कहाँ अरे लगीला बाटे इधर, ये बंद से नहीं बुआ इधर को बाहर ही जा रहा। देखो गाइस, बैंगन तोड़ लिए इसे। कहाँ रोज गावत ही ना चाहती ने, दोपहर में खूब गावत रही। Hey guys, तो ये देखो फ्लैश मार के अपने मुंह पर टॉर्च लेके ये शूट, अरे 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 ये हमारा बैगन चला।
सो गाइज अब ये बैंगन को भी हम लोग वो आग में डालेंगे और इसको भी पकाएंगे और फिर सबको मिला के चोखा बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। काफी अभी और निकला है तब हमें आलू लेते हैं पीछे से पहले लेंगे सो गाइज अब हमारा ये लिट्टी जो देख रहे हो चुकी है रेडी और ये पीछे आग लगी हुई है मतलब ना ज़्यादा आग हो गई थी तो हमने साइड में रख दिया। सो गाइज हमारी लिट्टी कितनी अच्छी लग रही है वाओ। तो यहाँ पे चाची सब रेडी कर रही है सबको खाना देने के लिए तो यहाँ पे भर भर के घी डाल रही है चाची देखो इस लिट्टी में। सो गाइज ये है मेरा खाना लिट्टी देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है OMG और खाने में बहुत टेस्टी थी गाइज सच में। एंड देन ये है हमारा चोखा जो कि आलू और बहुत सारी चीज़ों को मिला के बना हुआ है। तो चलो फिर अब इसे करते हैं टेस्ट। गांव में लाइट नहीं थी तो मैंने बहुत जुगाड़ लगा के टॉर्च लगाया है। यम बहुत अच्छी थी और ये दाल चावल भी गाँव का। अब हम चल रहे हैं सोने के लिए तो सबसे पहले छत पे जाएंगे देखते हैं। ये मैंने गले में क्या पहना चल चले छत पे। सो गाइस तो गाइस मैं जा रही थी छत पे और मेरे को ना अकेले ही डर लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ। रिंकू दीदी आएगी फिर चलूँगी। चलो चलते हैं चटाई लेके आ गई वो। अच्छा तो अब हम यहाँ पे बैठेंगे। सो गाइज अब यहाँ पे हम बैठेंगे थोड़ी गपशप करेंगे और फिर जाएंगे। ये मेरी गानों की प्लेलिस्ट। क्या आप कोई स्टार देख पा रहे हैं मेरे इस वीडियो में? अगर नहीं देख पा रहे तो भी देखने की कोशिश करिए। सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो फाइनली मॉर्निंग हो गई है गांव में तो चलो अब चलते हैं नीचे। और अब ब्रश के नाम पे तो यहाँ पे मैं ब्रश लगाई नहीं वो मेरे बंगलों पे ही है तो यहाँ पे मैं करूँगी दातून जो कि मुझे बहुत गंदा लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फेस वॉश कर लो एंड देन देखो ये चला के करना पड़ता है फेस वॉश फिर ये दातून। मेरे दांत तो बहुत कमज़ोर है तो मैंने क्या किया पहले इसको ना चुभ गया मुझे पहली बार फिर मैंने इसको ना पत्थर से कूट दिया और फिर मैंने इसको किया फिर भी ज़्यादा नहीं कर पाई मैं गाइस। ब्रश सबसे अच्छा होता है और सब कड़वा पंछी देखो घसे कैसे वो भी नहीं पता। तो ऐसे मैंने हल्का हल्का सा कर लिया फिर रातून करने के बाद हम गए वापस से मुँह धोने के लिए। ये पानी चला चला के मुँह धोना पड़ता है नल चालू करो तुरंत नहीं आता यहाँ पर ऐसा पानी। फिर यहाँ पे मैंने दादादी को लगा दिया है बिरहा। कोई तो स्टोरी होती है वो ऐसा सुनते हैं तो हमारे यहाँ पे बिरहा बोलते हैं जुगनू लाल का बिरहा तो फिर वो वही सुन रहा है हैदर अली जुगनू। देन अभी यहाँ पे चाची घास लेके आई है और यहाँ पे ये चाची बना रही है पकौड़े का और यहाँ पे दीदिया ने दिया है पास्ता में नाश्ता नाश्ता में पास्ता सॉरी। तो फिर ये सारी चीज़ें खा के मेरी पेट बहुत भर गई गाइस। फिर चाय भी पिया मैंने फिर नाश्ता कर लिया। गांव की लाइफ जीने आए हैं तो थोड़े गांव वाले चीज़ें भी कर ले तो हम यहाँ पे चल पड़े घास को काटने के लिए। तो ये देख सकते चाची कर रही थी फिर थोड़ा सा पता था तो मैंने कहा चाची लाओ मैं कर दूँ। तो ये देखो चाची वीडियो निकाल रही है। इतनी एक्सरसाइज रोज करूँ तो मैं पतली हो जाऊँ गाइस छोड़ो ये तो सपना ही है। हे गाइस तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय।